हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए अल्टीमेट हॉट स्टेशनरी आइटम कलेक्शन की वीडियो। एंड जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो आज हमारे पास है अलग अलग टाइप की स्टेशनरी आइटम्स। यहाँ पर देख सकते हो ज्योमेट्री बॉक्स है, पार्सल लॉक डायरी है, इरेजर है, पेंसिल कलर है, हाइलाइटर्स है, स्पिनर है, पेन है, करेंगे जुड़े सारी चीजों की दोस्तों अनबॉक्सिंग। एंड वीडियो जरूर एंड तक वॉच करना एंड बताना आप लोगों को कौन सी वाली चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। एंड लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हो तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास आती है एक अमेजिंग चीज, जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ये एक अमेजिंग सा आउल, जो कि देख सकते हो वाओ कितना सुंदर है ना। एंड गाइज यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है आउल वाला शार्पनर। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आपको दो शार्पनर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा जगह भी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा सही है। एंड आप लोगों के आउल वाला शार्पनर दोस्तों कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो गाइज इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाले 30 रुपीज, जो कि इस प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़िया शार्पनर है। तो मैं इसको दोस्तों साइड में रख देता हूं। एंड गाइज अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो है बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज। एंड आप यहां देख सकते हो ये है दोस्तों एक अपने पास अमेजिंग सा चिटिंग पेन। एंड इसका डिजाइन देखो गाइस कितना ज्यादा सुंदर है ना। एंड यहाँ पर मैं आपको फटाफट से चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक स्विच दे रखा है जिसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ लाइट जलती है। तो फटाफट से मैं आपको उसको कॉपी पर दिखा देता हूँ चलाकर। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो वाओ यार यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है जब तक मैं लाइट नहीं जलाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको लाइट जलाकर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो गाइस ये काफी ज्यादा बढ़िया सा चिटिंग पेन है जो कि आपको अब दिख रहा होगा दोस्तों अच्छी तरीके से। एंड वाओ यार कितनी ज्यादा औसम चीज है ना। एंड आप लोगों को चिटिंग पेन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है 25 रुपीज, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। यहां पर मैं इसको साइड में रख देता हूं। एंड गाइस अब हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये आ जाता है अपने पास बहुत ही प्यारा सा स्पिनर, जो कि देख सकते हो गाइज कितना ज्यादा ऑसम सा स्पिनर है। एंड गाइज ये प्लास्टिक वाला स्पिनर है एंड पिंक कलर का है। एंड देख सकते हो ओ माय गॉड। एंड गाइज ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट स्पिनर है क्योंकि दोस्तों इसकी कॉस्ट पड़ने वाली सिर्फ 30 रुपीज, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पिनर है। एंड आप लोगों को स्पिनर कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से बताना। एंड मुझे तो ये वाला स्पिनर बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा एंड काफी ज्यादा मस्त भी है दोस्तों। तो यहां पर मैं इसको भी साइड में रख देता हूं। एंड गाइज अब हमारे पास देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी चीज आती है। ये देख सकते हो ओ माय गॉड गाइज ये है एक मल्टी कलर पेन। एंड यहां पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा सुंदर सा इसका डिजाइन है। यहां पर देख सकते हो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स दे रखे हैं। यहां पर फटाफट से मैं रिफिल्स को काउंट कर लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोस्तों 10 रिफिल्स वाला मल्टी कलर पेन है। एंड देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा डिजाइन है। एंड यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्रेस करने पर रिफिल बाहर आ जाती है। एंड यहां पर हम जैसे इसका हेड दबाएंगे वैसे ही रिफिल अंदर चली जाएगी। तो बिना देरी कर इसको मैं आपको चला कर दिखा देता हूं फटाफट से कॉपी पर। एंड यहां पर देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा बढ़िया वर्क कर रहा है। एंड यहां पर इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे तो रिफिल अंदर जाएगी। एंड गाइस ये देखो ओ माय गॉड कितना ज्यादा प्यारा पेन है ना। एंड आप लोगों को ये वाला पेन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो गाइज इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली है सिर्फ 70 रुपीज, जो कि इस प्राइस में बहुत ही ज्यादा बढ़िया पेन है। तो यहां पर मैं इसको रख देता हूं। एंड गाइज अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज आती है वो है दोस्तों ये देख सकते हो यूनिकॉर्न का बिगेस्ट शार्पनर। एंड यहां पर इसका डिजाइन देखो कितना ज्यादा सुंदर है ना। लुक भी दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़िया दे रखी यहां पर देख सकते हो ओ माय गॉड। एंड यहां पर आपको देखने को मिल जाता है यूनिकॉर्न वाला शार्पनर। यहां पर आपको पेंसिल लगानी है दोस्तों एंड यहां पर इस तरीके से आपको शार्प करना है, जो कि बहुत ज्यादा मस्त है यार मजा आ गया देखकर इतना अच्छा शार्पनर। एंड आप लोगों को ये वाला शार्पनर दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड यहां पर आपको इस तरीके से डस्ट निकालनी, यहां पर आपको ऑन ऑफ के बटन देखने को मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरीके से घुमाने पर यहां पर डस्ट निकालनी पड़ेगी आपको। एंड यहां देख सकते हो काफी ज्यादा जगह है जो कि आप लोगों को यहां दिख रही होगी। वाओ यार कितना ज्यादा मस्त शार्पनर है। एंड आप लोगों को यूनिकॉर्न का बिगेस्ट शार्पनर कैसा लगा दोस्तों जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो गाइस इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली है सिर्फ 100 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा सही है। यहां पर मैं इसको रख देता हूं। एंड गाइस अब हमारे पास जाती है क्रिस्टल स्लाइम। ये देखो गाइस कितनी ज्यादा प्यारी सी बॉक्स है एंड देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड यहां पर मैं बिना देरी कर इसको खोल लेता हूं। एंड ये देखो गाइस ओ माय गॉड कितनी ज्यादा स्पेशल है ना देख सकते हो। ओ माय गॉड वाओ यार मजे ही आ गया दोस्तों देखकर। एंड आप लोगों को क्रिस्टल स्लाइम कैसी लगती है दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताना। एंड ये देख सकते हो ओ माय गॉड वाओ यार दोस्तों देखकर मजे ही आ गया। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारी। एंड इसके अंदर दोस्तों मिक्की माउस का स्टिकर भी दे रखा था। एंड इसकी कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली है 70 रुपीज, जो कि इस प्राइस में दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़िया सी स्लाइम है। तो यहां पर मैं इसको साइड में रख देता हूं। एंड दोस्तों अब हमारे पास आती है एक बहुत ही प्यारी चीज,
जो कि दोस्तों आप यहां देख सकते हो, आप लोगों की पूरी आइसक्रीम लग रही है। एंड गाइज ये एक आइसक्रीम वाली इरेजर जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हो उसका डिजाइन कितना ज्यादा प्यारा है ना दोस्तों, देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है एंड काफी ज्यादा मोटी भी है, देख सकते हो ना, वाव यार। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो गाइज इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली सिर्फ 10 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा सही प्राइस में। एंड दोस्तों आपके दोस्त लोग तो चौंक ही जाएंगे आइसक्रीम वाली रेजर को देखकर। एंड यहाँ पर हमारे पास अब आ जाता है, देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी चीज है ना, जो कि देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। एंड ये पूरा ट्रेन है दोस्तों, देख सकते हो वाव। एंड इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड गाइज ये है एक ट्रेन वाला शार्पनर, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारी पेंसिल शार्प होने वाली है, जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को दो शार्पनर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं। एंड यहाँ पर स्पेस भी देख सकते हो गाइस, कितनी ज्यादा मस्त चीज है ना। एंड आप लोगों को ये ट्रेन वाला शार्पनर दोस्तों कैसा लगा कमेंट में जल्दी बताना। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली है 40 रुपीज, जो कि इस प्राइस में बहुत ज्यादा मस्त शार्पनर है। तो यहां पर मैं इसको रख देता हूं। एंड गाइज अब हमारे पास देख सकते हो आ जाती है बैरल ओ स्लाइम। एंड गाइज ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट स्लाइम है, जो कि देख सकते हो गाइज, यहां पर मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं। एंड ये देखो गाइज कितनी ज्यादा बढ़िया है, वाव अमेजिंग यार, देखकर दोस्तों मजा ही आ गया। ये देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी है। एंड गाइज इसकी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है सिर्फ 20 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा कम है। एंड इसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा मस्त भी है दोस्तों, दोनों ही अच्छी अच्छी अपनी जगह पर दोस्तों। एंड आप लोगों को ये वाली अच्छी लगी या ये वाली कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइज इसकी कॉस्ट 20 रुपीज है, तो यहां पर मैं इसको रख देता हूं। एंड गाइज अब हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये एक अपने पास A1 डॉम्स का पेंसिल बॉक्स, कितना ज्यादा मस्त है। एंड गाइस काफी डिजाइन इसका नटराज जैसा इसका डिजाइन है दोस्तों। एंड यहां पर मैं आपको बिना वक्त इसको खोल के दिखा देता हूं। एंड आपको इसकी कॉस्ट भी बता देता हूं, इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ने वाली है, 40 रुपीज का एक बॉक्स पड़ने वाला है। एंड गाइज इसके अंदर आपको 10 पेंसिल्स मिलने वाली देखने के लिए, एंड 1 फ्री शार्पनर देखने को मिलने वाला, एंड एक इरेजर भी मिलने वाली है। तो यहां पर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, काफी ज्यादा बढ़िया सी पेंसिल है ये, देख सकते हो दोस्तों डॉम्स की A1 डीप डार्क पेंसिल है। एंड बहुत ज्यादा मस्त है देखने में भी दोस्तों, काफी ज्यादा बढ़िया सा इसका लुक है। एंड यहां पर मैं इसको अंदर कर देता हूं। एंड यहां पर दोस्तों आपको एक शार्पनर भी देखने मिलने वाला, तो यहां से इसको खोलकर आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं इसको निकालता हूं बाहर। एंड ये देखो दोस्तों वाव, एक इरेजर मिली है जो कि ट्रायंगुलर है, देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया ना, काफी ज्यादा मस्त है। एंड यहां पर एक ब्लू कलर का क्रिस्टल शार्पनर मिला है, जो कि देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया है। तो यहां पर दोस्तों मैं इसको साइड में रख देता हूं। एंड आप लोगों को कैसा लगा डॉम्स का पेंसिल बॉक्स कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस ये किसी को दोगे गिफ्ट वगैरह में तो बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। एंड यहां पर दोस्तों अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा मस्त चीज आती है वो है दोस्तों एक अमेजिंग सा लिपस्टिक वाला पेन। एंड डिजाइन देखो दोस्तों कितना ज्यादा सुंदर सा इसका डिजाइन, यहाँ पर सारे में ग्लिटर ग्लिटर है। एंड यहाँ पर मैं आपको बिना देरी कर इसको चलाकर दिखा देता हूँ। एंड मुझे तो ये बहुत ज्यादा मस्त लगता है ये पेन। एंड इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा सुंदर है यार, यहाँ देखो गाइस कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। एंड बहुत ज्यादा मस्त सा ये पेन है। एंड आप लोगों को लिपस्टिक वाला पेन कैसा लगा दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताना। एंड यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। एंड गाइस अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये आ जाती है अपने पास फील्ड सराइवल इरेजर, देख सकते हो गाइस इसमें आप लोगों को फील्ड सराइवल वाली इरेजर्स मिलने वाली देखने के लिए। एंड काफी ज्यादा बढ़िया बॉक्स है। एंड ये देख सकते हो गाइस, यहां पर मैं बिना देरी कर इसको ओपन कर लेता हूं। एंड देखते हैं दोस्तों क्या क्या इरेजर्स हमें मिली है। एंड यहां पर मैं इसको फटाफट से खोल लेता हूं। एंड यहां पर देख सकते हो गाइज, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें। यहां पर देख सकते हो गाइज, ये मिल जाता है आपको चिकन लेग पीस देखने के लिए, जो कि दोस्तों आप यहां देख सकते हो काफी ज्यादा रियल दे रखा है। एंड ये देख सकते हो मिल्क की बॉटल, जो कि देख सकते हो ना कुछ इस तरीके की टी है दोस्तों, इसके ऊपर लिख रखा है बाबा टी। एंड काफी ज्यादा मस्त नाम है इसका यार। एंड यहां पर ये चॉकलेट मिल जाती है, देख सकते हो काफी ज्यादा रियल लग रही है दोस्तों देखने में भी। एंड ये देख सकते हो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक एनर्जी वाली। एंड ये देख सकते हो दोस्तों नूडल्स, वाओ यार कितनी ज्यादा मस्त रेजर सेट थी ना। एंड गाइज इसकी कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली 50 रुपीज। बताना जरूर आप लोगों को ये सराइवल इरेजर्स कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में। एंड अब हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो है बहुत ही ज्यादा शानदार। एंड यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये है पेस्टल ड्रीम्स कलर, जो कि पेंसिल वाले कलर है दोस्तों, काफी ज्यादा मस्त है। एंड डिजाइन भी काफी ज्यादा बढ़िया है इनका देखने में भी। एंड यहां पर मैं बिना वक्त का इनको बाहर निकाल लेता हूं। एंड ये देखो दोस्तों कितने ज्यादा मस्त है। एंड गाइस ये सारे ही लाइट कलर्स हैं, तो यहां पर मैं ग्रीन को दोस्तों बाहर निकाल लेता हूं। एंड बॉक्स को यहां पर मैं रख देता हूं। एंड ये देखो गाइस काफी ज्यादा मस्त कलर लग रहे हैं दोस्तों देखने भी। एंड डिजाइन की बात करें तो दोस्तों डिजाइन भी बहुत ज्यादा मस्त है।
एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही लंबे भी हैं एंड अच्छी क्वालिटी वाले। एंड आप लोगों को ये कलर्स कैसे लगे पेंसिल कलर कमेंट में मुझे जरूर बताना। एंड इसके अंदर दोस्तों अपन को 12 शेड्स देखने के लिए मिल जाती हैं, यहाँ पर लिख भी रखा है दोस्तों। एंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हो स्मूथ कलर पेंसिल्स बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है दोस्तों देखने में। एंड गाइज इसकी कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली है 100 रुपीज का बॉक्स है दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा मस्त है। एंड यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा मस्त स्पिनर, जो कि दोस्तों है मेटल का स्पिनर, ये देख सकते हो पिंक कलर का है दोस्तों, काफी ज्यादा बढ़िया है। इसको घुमाते ये देखो गाइस, वाओ कितना ज्यादा मस्त घूमता है ना, घुमाने में दोस्तों मजा आता है इसको घुमाने पर भी, ये देखो ओ माय गॉड कितना ज्यादा बढ़िया है ना, एंड काफी ज्यादा स्मूथली घूमता है देख सकते हो, ओ माय गॉड। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें ना दोस्तों, तो इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली 150 रुपीज एंड इसकी कॉस्ट आपको पड़ने वाली 30 रुपीज। देख सकते हो दोस्तों दोनों ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। एंड आप लोगों को कौन सा वाला स्पिनर अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइज ये है मेटल में स्पिनर, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो गाइज कितनी ज्यादा औसम चीज है, ये एक डॉम्स का इरेजर प्लस रॉकेट शार्पनर, जो कि देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त है ना, जो कि देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है शार्पनर, जो कि देख सकते हो काफी ज्यादा जगह देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर हम जैसे इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक इरेजर भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जो कि देख सकते हो गाइस बहुत ज्यादा मस्त है ना ये इरेजर सेट। एंड आप लोगों को डॉम्स का इरेजर सेट कैसा लगा बताना जरूर से कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। एंड गाइज ये देख सकते हो दोस्तों ये आ जाता है हमारे पास यूनिकॉर्न का ट्रॉली सेट, इतना ज्यादा ऑसम है यार देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड यहाँ यूनिकॉर्न के कुछ डिजाइन भी दे रखे हैं एंड ये देखो गाइज वाओ अमेजिंग। एंड यहाँ पर आप जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपको इरेजर देखने के लिए मिल जाती है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको शार्पनर देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं दोस्तों देखने में। एंड काफी ज्यादा मस्त ट्रॉली सेट है। एंड आप लोगों को ट्रॉली सेट कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली 50 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा सही है। एंड यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यूनिकॉर्न का अमेजिंग सा बैंड, यहाँ पर देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा है ना देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा मस्त है। एंड इसको इस तरीके से हमें पहन लेना, ये देखो गाइस कितना ज्यादा प्यारा लगता है ना पहनने के बाद। एंड गाइस इसकी कॉस्ट की बात करें तो 50 रुपीज है एंड मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा ये बैंड। एंड आप लोगों को कैसा लगा यूनिकॉर्न का बैंड कमेंट में जरूर बताना। एंड डिजाइन भी दोस्तों बहुत ज्यादा प्यारा है, यहाँ पर स्टार्स देख सकते हो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। एंड गाइज अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज आती है वो है दोस्तों BTS की पासवर्ड लॉक डायरी, ये देख सकते हो कितनी ज्यादा मस्त डायरी है ना देखने में। यहाँ पर BTS के मेंबर्स दे रखे हैं एंड गाइज यहाँ पर ये पासवर्ड लॉक डायरी है एंड ये देखो गाइज BTS लिख रखा है इसके ऊपर एंड काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली है डायरी। एंड यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों 135, जो कि हम इस तरीके से हम डालेंगे तो 135 एंड यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करते ही साथ के खुल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको इसके साथ एक पेन फ्री में मिलने वाला है, जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो वाओ कितना ज्यादा बढ़िया ना। एंड अंदर की साइड हम जैसे ही जाते हैं तो काफी ज्यादा बढ़िया से पेजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड ये देखो कितनी ज्यादा सुंदर सी डायरी ना देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही, ओ माई गॉड। एंड आप लोगों को जरूर बताने डायरी कैसी लगी, ये देखो गाइस कितने ज्यादा सुंदर से इसके पेजेस हैं एंड डिजाइनर है, वाओ यार मजा आ गया दोस्तों देखकर। एंड ये देख सको पेन भी कितना ज्यादा ऑसम सा है ना, तो यहां पर मैं इसको रख देता हूं दोस्तों। एंड आपको इस तरीके से इसको प्रेस करना है, फिर ये दबाते ही के साथ ही लॉक हो जाता है। एंड यहां पर आपको फिर से अपना पासवर्ड लगा देना है, ये देख सकते हो दोस्तों अब ये ओपन नहीं होने वाला है, तो यहां पर मैं उसको साइड में रख देता हूं। एंड गाइस आप सोच रहे होंगे कितने रुपए की डायरी है पासवर्ड लॉक वाली, तो दोस्तों ये है सिर्फ 200 रुपीज की। एंड कैसी लगी आप लोगों को BTS की पासवर्ड लॉक डायरी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एंड गाइस अब यहां पर हमारे पास रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये आ जाते हैं अमेजिंग से बॉटल्स वाले हाइलाइटर। एंड डिजाइन देखो गाइस कितना ज्यादा सुंदर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स दे रखे हैं, जो कि देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा मस्त है। एंड यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड दोस्तों कुछ बॉटल्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओ माय गॉड कितनी ज्यादा सुंदर सी बॉटल्स है, बिल्कुल रियल बॉटल्स जैसा इसका डिजाइन है, जो कि दोस्तों देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर्पल कलर का दे रखा है वाओ, एंड यहाँ पर स्टार्स दे रखे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ। एंड ये देखो गाइस वाओ कितनी ज्यादा मस्त चीज है ना, यहाँ पर देख सकते हो ओह माय गॉड कितने ज्यादा प्यारे हाइलाइटर्स है ना। एंड मैं इसको आपको चलाकर जल्दी से दोस्तों कॉपी पर चेक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर देखो गाइस कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, एंड आपने देखा दोस्तों कुछ इस तरीके से चलाने में पतले चलते हैं एंड यहाँ पर देख सो कुछ हैवी चलना चालू हो जाते हैं, मोटे चलना चालू हो जाते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा मस्त है ये हाइलाइटर। एंड आप लोगों को ये वाला हाइलाइटर कैसा लगा बॉटल्स वाले कमेंट बॉक्स जरूर बताना। एंड गाइस इसके अंदर आपको 6 हाइलाइटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इसके अगर कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों इसकी कॉस्ट आपको पड़ने वाली 60 रुपीज, जो कि इस प्राइस में बहुत ज्यादा सही है। एंड गाइस अब हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो है बहुत ही ज्यादा प्यारी,
यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों काफी ज्यादा सुंदर, यहाँ पर एक छोटी लड़की है जो कि देख सकते हो डिजाइन बहुत ज्यादा प्यारा है, पिंक पिंक इसका डिजाइन है, पीछे भी आप देख सकते हो। वाओ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले दो शार्पनर्स जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है एंड काफी ज्यादा स्पेस भी है दोस्तों। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको अपने इरेजर रखने के लिए स्पेस मिल जाती है जो कि देख सकते हो वाओ यार। एंड अंदर की साइड आप जैसे ही जाओगे ना दोस्तों तो ये देख सकते हो यहाँ पर आपको स्कूल टाइम टेबल मिल जाता है, जो भी आपका टाइम टेबल हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको पेंसिल वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है देखने, जो कि काफी ज्यादा है दोस्तों, देख सकते हो वाओ यार, देखकर दोस्तों मजा ही आ गया। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो, एंड पीछे की साइड जैसे हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सही स्पेस मिल जाती है देखने के लिए। मुझे तो दोस्तों जोमेटो हाउस बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एंड आप लोगों को जोमेटो हाउस कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एंड गाइज इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली है सिर्फ 200 रुपीज, जो कि इस प्राइस में बहुत ज्यादा मस्त चीज है यार। यहाँ पर आ जाती है दोस्तों अपने पास क्ले का बॉक्स, यहाँ देख सकते हो क्ले बकेट आ जाती है जो कि देख सकते हो गाइस कितनी ज्यादा अमेजिंग है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ओ माय गॉड वाओ यार, बिना वक्त गाइस इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं इसको खोल देता हूँ, ये देखो दोस्तों वाओ यार कितनी ज्यादा प्यारी है, एंड इस तरीके की बकेट है दोस्तों। एंड यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हो मिल जाती है अलग अलग टाइप की क्ले देखने के लिए, जो कि देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया है ना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के आते हैं देखने के लिए टॉयज, जो कि देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके के है ना। यहाँ पर देख सकते हो डॉल्फिन है, अलग अलग टाइप के हैं दोस्तों, फिश है, एंड ये देख सकते हो वाओ यार कितनी ज्यादा मस्त मस्त सी चीज है ना। एंड यहाँ पर मैं इनको दोस्तों इसके अंदर डाल देता हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ क्ले भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि देख सकते हो कितनी ज्यादा मस्त ना। एंड 1 2 3 4 5 6 दोस्तों 6 क्ले मिल जाती है देखने, एंड इसको फटाफट से मैं खोल देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वाओ कितनी ज्यादा मस्त ना। एंड गाइस क्ले बहुत ज्यादा मस्त है यार, मजा आता है दोस्तों क्ले के साथ खेलने में। एंड आप लोगों की क्ले कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एंड यहाँ पर मैं इनको साइड में रख देता हूँ, एंड ये देख सकते हो गाइस इसकी कॉस्ट आप लोग पड़ने वाली है 80 रुपीज की बकेट, जो कि क्ले की होने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा सही है। एंड इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 क्ले के कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बड़े ही प्यारे हैं। एंड गाइज अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज आती है वो है दोस्तों अमेजिंग सी पेंसिल्स, जो कि देख सकते हो काफी ज्यादा मस्त सा बॉक्स है। एंड यहाँ पर मैं इसको बिना देर के खोल देता हूँ फटाफट से, तो यहाँ पर अपनी कैची से हम इसको कट करेंगे, एंड देखने वाले दोस्तों कैसे कैसे इसके अंदर डिजाइन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों इसको पूरा कट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसको कट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो गाइज मैंने इसको पूरा कट कर दिया, एंड सीजर को हम साइड में रख देते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो, एंड मैं यहाँ इनको बाहर निकाल देता हूँ, एंड ओ माय गॉड कितनी ज्यादा सुंदर सी चीज है ना। एंड यहाँ पर ये शार्पनर भी है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ओ माय गॉड अलग अलग टाइप के दोस्तों इसके अंदर चीजें हैं देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा शार्पनर देखने को मिल जाता है जो कि रेड कलर का है, एंड ये डॉल्फिन मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर पेंसिल को एक उठा लेता हूँ, एंड आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर इनको मैं साइड में कर देता हूँ। एंड गाइज ये देखो काफी ज्यादा सुंदर सी पेंसिल, एंड डिजाइन देखो वाओ ब्लू ब्लू कलर। एंड यहाँ पर आपको इरेजर भी देखने के लिए मिलने वाली जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। एंड यहाँ पर आपको इस तरीके से डॉल्फिन को लगा देना, ये देखो गाइस कितनी ज्यादा मस्त लगेगी ना, आप जब लिखोगे तो अलग ही व्यू आएगा, वाओ यार कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। एंड आप लोगों को पेंसिल कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो गाइस इसकी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है 100 रुपीज। एंड आप लोगों को वीडियो कैसी, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, जब तक ले जाए वंदे मातरम। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों अगर आपको ऐसी और कलेक्शन वाली वीडियो चाहिए। तो बाय बाय दोस्तों, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।